अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएसके डिजाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जानशी और आज हम सीखेंगे रियलिस्टिक प्लास्टिक इफेक्ट किस तरह बनाते हैं एडोबी फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रियलिस्टिक प्लास्टिक इफेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक इमेज चाहिए होगी, वो किसी भी चीज़ की हो जिसके ऊपर आपने प्लास्टिक की इफेक्ट अप्लाई करना हो। तो हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है और इमेज लेने के बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और न्यू लेयर जब क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे फिल्टर में रेंडर क्लाउड्स, ठीक है, और ये क्लाउड्स इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। फिर उसके बाद दोबारा से हम आएंगे फिल्टर और लिक्विफाई में हमारे पास जो सबसे पहला टूल है टॉप वाला, हमें इसे सेलेक्ट करना है और इस पर जिगजैग करना है, ठीक है, इस तरह से। तो जो जो स्पेस जहाँ से मतलब वॉलपेपर हट गया होगा ये क्लाउड्स का आपका, तो उसको दोबारा से ड्रैग करके उसको प्रॉपर कर लेना है और सिंपली हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हम दोबारा से आएंगे फिल्टर में और यहाँ फिल्टर गैलरी है। फिल्टर गैलरी में हमारे पास फर्स्ट पे ऑप्शन है आर्टिस्टिक और इसमें है प्लास्टिक रैप, तो ये हमारा प्रीव्यू इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम आएंगे स्केच में और स्केच में हमारे पास है क्रोम, ठीक है, क्रोम को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिटेल्स, इसकी जो है डिटेल को हमें 0 रखना है और स्मूथनेस जो है इसे हम 10 पे रखेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे, और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और या फिर आप आएंगे इमेज एडजस्टमेंट्स और यहाँ से लेवल पे क्लिक कर देंगे। राइट साइड की जो वैल्यू है इसे हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है इसे हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा ये डार्क शेड में आपको नज़र आएगा। उसके बाद हम सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हम आएंगे सेलेक्ट कलर रेंज, कलर रेंज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कलर्स कोई नहीं है हमारे पास तो हमें हाईलाइट को सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। अब यहाँ इसमें कुछ सिलेक्शन हो गई है, अब हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ बन चुकी है। हमारे पास जो एक क्लाउड्स वाली लेयर है इसे हम हाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका प्रीव्यू है, इसका मोड हम चेंज करके यहाँ से हार्ड लाइट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।